नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें, ललितपुर जिले की तहसील पाली अंतर्गत ग्राम बरोदिया राइन में हाइटेशन लाइन का तार टूटने से खेत में खड़े डंठलों में आग लगने से करीब 50 हेक्टेयर के खेत में आग फैल गई, जिससे खेत में डले पाइप और भूसा जलकर राख हो गया, जिससे किसानों का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आनन फानन किसानों ने अपने ट्रैक्टर में पंजा लगाकर आग पर काबू पाया और किसानों ने फायर ब्रिगेड को फोन लगाया तो फायर सर्विस स्टेशन का फोन नहीं लगा, जिससे किसानों में काफी रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि 5 दिन पहले ही गेहूं की फसल निकली और जिसका भूसा नहीं उठा पाया और करीब 60,000 रुपए का भूसा जलकर राख हो गया और साथ ही खेत में पाइप और 4 पिंडाबॉल के खेत में पड़े थे जो जलकर राख हो गए, तो भी किसानों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाया है कि हाइटेशन लाइन जमीन से काफी नीचे है और कई बार विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से इसके बारे अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी विद्युत विभाग ने नजरअंदाज कर दिया। अब देखना ये होगा कि विद्युत विभाग कब तक अपनी कुंभकर्णी सोई नींद से जागता है और वे किसानों के हित में कार्य करने में सक्षम होता है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए विरदा से नितेश कुमार के साथ ब्रजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। झगड़ा बजाओ। अरे वो मुझे लग रही यार। झगड़ा टोल लो आओ झगड़ा से बजा हुआ बन नीचे भज जाओ आराम से। Thank you.
पानी की व्यवस्था चाहने और जान बान चलाने का कर दिया। क्या क्या नुकसान हो गया है आपका? अब जी भसा में आग लग गई जी, अपनी जी बॉलें जा लगेंगी, पशुमन के लाने पानी की व्यवस्था कर दी, लाने जी बॉल वाल डरी थी वो आग तब आ गई। जानवर किसान पानी की व्यवस्था चलने से जब बंदी भर देते बोल निकलेंगे टूचने कम जो जी खराब था आप जैसा की लाइन भी जम था हाँ। तो प्रधान जी आपसे जानना चाहते हैं जो आग लगी है तो किस कारण से यहाँ पे आग लगी हुई है? यह खम्मा है जो बिजली वाला तार टूटा, फिर उसके बाद कौन सा खम्मा लगा हुआ, कौन सी लाइन निकली आपके यहाँ? 11,000 वाली लाइन निकली है, इतने नीचे तार है आगे क्या यार, उसके नीचे से निकले तो हाथ यूज में लग जाएगा। आड़े खम्मा डले हैं, आप चल के देख लो, सुधार ही नहीं हुआ। लगभग आपका कितना नुकसान हो गया इसमें? इसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 हेक्टेयर से ऊपर का नुकसान हो चुका है। अच्छा, और इसमें खेत में क्या क्या डला हुआ था? खेत में जैसे किसी के कनेक्शन है तो इनके पाइप थे, डोरी भी थी और डीपी भी रखी थी, भूसा रखा था, कुल सामान था, बहुत नुकसान हुआ।